बताइए ना क्या मामला। जिला अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानी, इसको लेकर समाज से बहुत अच्छी आज सीएमओ साहब को ज्ञापन देगा और परेशानी बताएगा। मंच से आज हम लोग समाज सेवा मंच के हमारे अध्यक्ष माननीय नदीम शमसी जी के नेतृत्व में सभी समाज सेवा मंच के साथी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सीएमओ साहब के माध्यम से ये ज्ञापन देने आए हैं। और इस ज्ञापन में हमारे यहाँ जिला अस्पताल में आहार का जो भोजन का मेन्यू है उसके अनुरूप भोजन रोगियों को वितरण हो और भोजन खुले में ना वितरित होकर उसको बकायदा जिस तरीके से पैकेट को ढकते हैं उस प्रकार से ढक के भोजन जो है मरीजों तक फैले। और हम जिला अस्पताल में प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो ठंडे पानी की मशीनें स्वीकृत हैं वो ही नहीं चल पा रही हैं और उन स्वीकृत मशीनों का ठंडे पानी की मशीनों को सही कराया जाए और अविलंब यहाँ पर जो नल हैं उन्हें रिबोर कराया जाए, जो बिल्कुल भीषण गर्मी में परेशान हैं, तपती हुई लू में मरीज गाँव यहाँ से आते हैं वो पानी नहीं पी पाते, अनेकों नल यहाँ पर खराब पड़े हुए हैं। हमारी समिति के साथी ने अभी कल ही नल चलाकर देखा था, हम लोगों ने जगह जगह गए, जो दो चार नल लगे हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं। इसी माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग ये समाज सेवा मंच के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। सभी बाधा रोग, चर्म रोग, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन व वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, डायलिसिस की मशीन को आगे कार्य करने के लिए किया जाए, जो मरीजों का डायलिसिस नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो अनेकों प्रकार की जाँचें हैं उन जाँचों को भी नियमित रूप से कराया जाए, जो बंद मशीनें पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। इसी आशय से आज समाज सेवा मंच को ज्ञापन देने आया है।